सर, कश्मीर में लगातार आतंकवादियों द्वारा सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही हैं, जबकि वादा ये हुआ था कि 370 हटने के बाद ये सब नहीं होगा और यूटी भी बनाया गया, राज्य से यूटी कर दिया गया, उसके बाद भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? आतंकवाद का जो भी हो रहा है, हमारा सरकार आने से पहले तो बहुत हुई है, रुक गया था, और इसके लिए भारत सरकार और हमारा होम मिनिस्ट्री सक्षम है, उसके ऊपर जो उचित लगेगा वो कार्रवाई भारत सरकार कर देगी। सर, नॉन लोकल्स जो हैं वो घाटी से पलायन करना शुरू कर गए हैं, पिछले दो दिनों की अगर बात करें। वो सारे चीज़ हमारा गृह मंत्रालय देखेगी और वो सुनिश्चित करेगी। मैं यहाँ पर आने से जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखने मिला है, और काफ़ी अच्छा राज्य सरकार के हमारे LG साहब और केंद्र सरकार का सारे मशीनरीज यहाँ पर अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। यह निरंतर प्रक्रिया रहती है कि वो निरंतर प्रक्रिया में वो करते रहेंगे, और मैं आश्वस्त देना चाहता हूँ यहाँ की आवाम को कि आप अस्वस्थ रह करके सरकार की सभी सुविधाएं के लाभ उठाइए, यही मैं कहना चाहता हूं। सर, परसों ही एक घटना सामने आई कि एम्बुलेंस की मांग की गई थी एक मरीज द्वारा, लेकिन एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाई गई, जबकि दो एम्बुलेंस यहां पे मौजूद थी। इसके अलावा सर, एक सवाल ये है कि रियासी जिले के बिड्ढा में सोलर पावर प्रोजेक्ट कई साल पहले लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन आज तक नहीं लगाया गया, क्या उसकी जानकारी आप तक पहुँचाई गई है, क्या आपके मंत्रालय के? बिड्ढा का सोलर एनर्जी का मेरा ध्यान में लाया गया, और यहाँ के JKRD का जो वो स्कीम है वो हम NSRC को, वो ज़मीन उनकी है, वो जॉइंट वेंचर्स में या उनके पार्टनरशिप में उनको बनाने के लिए उनका प्रपोजल भी भेजा गया है, तो हम लोग उसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जम्मू और कश्मीरी आवाम की बहुत ही उनके ऊपर उनका उनका बहुत ही उनके ऊपर निगाहें हैं, इस कारण भारत सरकार के सभी अपना मंत्रियों को हर जिला और हर मंडल स्तर पर जाकर के आवाम के साथ भारत सरकार का योजनाएं कैसे पहुंच रहे हैं और कोई बाधा तो नहीं आ रही है और उसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं, ये प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शिता यहाँ पर दिखती है। इस कारण पिछले महीने से अभी तक भारत सरकार के 70 से ज़्यादा मंत्रियों ने हर जिला और हर मंडल स्तर पर जाकर के लोगों से मिली है, लोगों के बात सुनी है, लोगों की समस्या भी सुनी है, और लोगों तक भारत सरकार के सारे योजनाओं का लाभार्थियों से भी मिलकर के बातचीत हुई है। यही एक दौरे के कारण मैं रियासी जिला में और कल माहौर में मेरा इस क्षेत्र का लोगों से मिलना हुआ है, और कई लोगों को घर तक जाकर के भी उनसे बात करना हुआ है। यहाँ पर भारत सरकार की योजनाएं बहुत ही अच्छे तरह से लागू हो रहा है और 100% लाभार्थी लाभ भी उठा रहे हैं, तो और लोगों की विशेष करके लोगों से मैं बात करने के बाद वो इतना संतुष्ट व्यक्त किया है कि उनका पूछिए मत, तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बदलाव आया है। विशेष करके 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ पर लोगों के अंदर ये खुशी की भावना है कि ये हमारा इलाका अब विकास होगा और हमारा हाथ को रोजगार मिलेगी और भारत सरकार की हर स्कीम, हर कानून, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर लागू होगी और उससे हम लोग फ़ायदेमंद होंगे, ये मुझे देखने को मिला है। तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना का भारत, वही सपने के जम्मू और कश्मीर राज्य भी होगा, ये मुझे अनुभव का आया है।